वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टोरी किंग। सो चालू करते हैं आज के वीडियो में हम बात करने वाले मूवी द काउंसलर। एक लॉयर बताए जो अपना जॉब करता काउंसलर का, और उसके जो क्लाइंट को बताता और उसकी गर्लफ्रेंड थी लॉरा। और यहाँ पे एक ड्रग कार्टेल बताए, बड़ा एक बड़ा ड्रग का जो नेटवर्क रहता है बड़ा रहता है, जिसमें टाके में ड्रग्स भरते और ट्रक से जो क्या पास करते, और एकदम आइसोलेटेड लोकेशन पे जाके वो क्या स्टॉप हो जाता। और एस्टरडैम बताएं, एस्टरडैम में जो है कि अपने काउंसलर को जाते हुआ था और वो क्या करता, डायमंड खरीदता मेरे हिसाब से उसके गर्लफ्रेंड के लिए। बाद में क्या होता आगे चल के कि उसकी जो है डायमंड की चेक करता हो और थोड़े से फलॉसफी के बारे में बात करते दोनों जने बैठे बैठे। लेकिन जो डायमंड रहता प्योर क्वालिटी का रहता वो खरीद लेता। और नेक्स्ट सीन में क्या बताएं, मल काउंसलर के फ्रेंड रहते रेनियर और मलकीना, ये दोनों जने उसके फ्रेंड रहते जो उसको क्या 40 थ्रो करते US में आने के वास्ते। अब वो बात करते डिस्कस करते क्या ड्रग का बिजनेस है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर जब थोड़ी सी भी गलती हो रही तो डायरेक्ट वो क्या मर्डर करते। उनके पास ऐसे एक डिवाइस है जो है कि वो डायरेक्ट अपने जो है क्या गर्दन पे रखते और डायरेक्ट वो क्या सुकड़ना चल हो जाए, जिससे जो अपनी गर्दन है कि डायरेक्ट निकल जाती अपने बॉडी पे से। ऐसा डराता उसको, बोलता बहुत डेंजर स्टोरी बोल देता, और फिर बाद में वो थोड़ा सा घबरा जाता अपना काउंसलर। लेकिन बोलता अब इतना रिस्की बिजनेस तो थोड़ा फार करना ही पड़ेगा, अब इतना प्रॉफिट है तो रिस्की थोड़ा सा रिस्की तो होने वाला ही है। फिर नेक्स्ट सीन में क्या बताया, लॉरा और जो काउंसलर है दोनों साथ में डिनर को जाते, और डिनर को जाने के बाद में जो है क्या काउंसलर उसको प्रपोज करता लॉरा को कि भाई मेरी जो है क्या तुम वाइफ बन जाओ करके, उसको मैरिज प्रपोजल करने के बाद में एक्सेप्ट कर लेती हो। नेक्स्ट सीन में क्या बताया, मलाइका के संगत में वो जो है साथ में नहाते रहते और मलाइका सड्यूस करने की कोशिश कर, लेकिन होती नहीं वो कौन लॉरा। और नेक्स्ट सीन में क्या वेस्टर्न बताए, यहाँ पे जो ये रहता भाई ये मिडल मैन रहता, ये क्या करता ड्रग का जो है इंट्रोड्यूस करता पार्टनर्स को एक दूसरे को कि भाई कैसा हम ड्रग को इधर का उधर लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में क्या बताए कि वो बताते हुए दोनों जने डिस्कस करते कैसा हमारी जो पार्टनरशिप है क्या वर्क करेंगे। अब आगे चल के क्या बताए, जैसे ही काउंसलर निकलता वहाँ से तो उसको है क्या एक जेल में जाते बताया, जहाँ पे रूथ उसका जो है क्या क्लाइंट रहती, जो उसको जो है क्या डिफेंड करता हो, क्योंकि काउंसलर रहता और लॉयर रहता ऊपर से उसको डिफेंड करता। तो वहाँ पे जाने के बाद में वो बोलती है भाई मेरा जो बच्चा है उसके लिए थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गई उसको, क्योंकि उसने जो है गाड़ी भगाते बहुत भगा रहा था स्पीड में, तो उसको पुलिस वाले ने पकड़ ली और वो अभी जेल में, जाके तुम काउंसलर उसको मेरी छुड़ा दो, बस इतना मेरे को फेवर कर दो, फिर जाके जो है क्या उसके लड़के को है क्या छुड़ा लेता हूँ रूथ के। अब नेक्स्ट सीन में क्या बताए कि दोनों जने जो है क्या उसके और पार्टनर काउंसलर दोनों जने बार बाय करने की कोशिश कर लेते, बस बाय बार कर लेते। अब नेक्स्ट सीन में बताए कि भाई उसका फ्रेंड आता है एक जना जो है क्या काउंसलर को सताता और उसकी इंसल्ट करता उसके फियांसे के सामने, जो ऑलरेडी उसने प्रपोज कर दिया रहता, तो इंसल्ट करता और जाते तो बच के रहना करके इससे। अब आगे चल के क्या बताए कि जो मलेकिना वो आती डायरेक्ट कंफेस करने को चर्च में, और फादर को कंफेस कर दी कि जो मेरे को जो सेलेक्शन है, जो मेरे को सेक्सुअल डिजायर है बहुत ज़्यादा है, तो फादर छिड़ के उसको हकाल देता हूँ वहाँ से चर्च में से। अब नेक्स्ट सीन में बताए कि भाई वो डिस्कस करते कि कैसा क्या हम आगे चल के बिजनेस करेंगे, तो वो मैंने बात करते उस टॉपिक पे, बाद में आगे चल के डिसाइड करते कि करना क्या हमें बिजनेस अब आगे चल के। तो दोनों जने साथ में जाते और बिजनेस चालू कर देते ड्रग लॉर्ड के संगत में। अब एक जना क्या बताए कि वायर ऐसा जो है क्या स्ट्रिपिंग वायर लगाते बताए, और अचानक से जो है क्या उनको मालूम होता कि किसके वास्ते स्ट्रिपिंग वायर जो लगा रहा किसके वास्ते लगा रहा। एक बाइकर जो है क्या स्पीड में बाइक भगाते आता और अचानक जो है क्या वायर दिखता उसको और वो गिर के नीचे मर जाता। ये रहता रूथ का लड़का जो मिडल मैन रहता ड्रग लॉर्ड के लिए। अब लॉरा को कॉल करता और लॉरा को बोलता कि लॉरा यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मलिका बोलती उसको, और थोड़ा सा जो है क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई करके, ऐसा मलिका लॉरा को बोलती। अब नेक्स्ट सीन में क्या बताएं, जो ट्रक रहता उसकी चाबी लेकर ट्रक जो है क्या चुरा लेते दूसरे आदमी लोग, क्योंकि उसमें जो है क्या ड्रग्स रहते, तो वो चुरा लेते और इसको मिडल मैन को मालूम हो जाता, वो बोलता कि भाई ऐसा ऐसा होगा करके। अब जो है क्या ड्रग जितने भी ड्रग लॉर्ड्स है वो समझ रहे कि तुमने इसके पीछे था, क्योंकि तुमने लूट के लड़के को भी छुड़ाया बाहर जेल में से, प्लस तुम्हारा को भी पता था कि वो कहाँ जाने वाला है, तो उसको लगता है लड़ लो क्योंकि तुमने ही उसको मारे करके, तो बोलता तुम्हारा को जल्दी जल्दी सिटी छोड़ के भाग जाना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद में नेक्स्ट सीन में बताया कि वो जो ट्रक चुराए वाला रहता दो पुलिस वाले आते और शूटिंग चालू कर देते, लेकिन एक्चुअल में वो पुलिस वाले नहीं रहते, वो रहते ड्रग लॉर्ड के वर्कर्स, और वो वर्कर क्या करते उसकी जो ट्रक है वो ले जाके बरोबर उसके जो प्रायर लोकेशन पे क्या भेज देते वो ट्रक को। और नेक्स्ट सीन में बताया कि वो जो एक काउंसलर अपना फ़ोन जो है क्या ड्रॉप कर देता एक डस्टबिन में, और उसके फ्रेंड को बोलता है कि भाई तुम्हारा को भी अंडरग्राउंड जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है ड्रग लॉर्ड जो है हमको ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। अब
कैसा तो भी हमको जो है क्या इधर से उधर भागना पड़ेगा। मलाइका आके उस किसको बोलती रही कि भाई मैं यहाँ रुक नहीं सकती, अगर जब कोई तुम्हारे सर के लिए आया तो मैं तुम्हारे साथ में रुक नहीं सकती, क्योंकि ड्रग लॉर्ड जो है कि तुम्हारे को जल्दी आके मारने वाले। तो वो भाग जाती वहाँ से निकल के। अब नेक्स्ट बताया लोरा को, बोलता है भाई लोरा तुम्हारे को जल्दी जाके कहीं तो भी छुप जाना होगा क्योंकि सिचुएशन बहुत बुरी है। उसको पूरी स्टोरी समझाता और छुप जाता। और नेक्स्ट में बताया कि ये भाग रहा था उसका पार्टनर, उसका काउंसलर का पार्टनर भागने की कोशिश करता, लेकिन कार चेस में उसको एक ठोक देते नीचे। गाड़ी ठोकने के बाद में वो थोड़ा सा पुट अप फाइट करता, डंडा गिंडे से मारता उस समय लोगों को भागते भागते, लेकिन पीछे से एक जना शूट करके उसको मार देते। अब काउंसलर जो है क्या बैकपैक सब पैकिंग करके एयरपोर्ट पर निकल जाता। अब निकलने के बाद में उसका जो मिडल मैन रहता वो बोलता है कि भाई मेरे से कॉन्टैक्ट मत करो, अब मैं क्या लंदन जाने वाला हूँ करके ऐसा बोल के वो चल जाता। अब लोरा जो है एयरपोर्ट पर पहुँचती नेक्स्ट दिन पर, और उसके पीछे जो है क्या ड्रग के जो लोग रहते, ड्रग लॉर्ड के जो लोग रहते वो पकड़ लेते उसको और लेके जाके कार में भर देते। अब नेक्स्ट सीन में क्या बताएं, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद में काउंसलर को जो है क्या लोरा मिलती नहीं, और वो ढूंढता ढूंढता लेकिन मिलती नहीं उसको। अब मलाइका जो रहती बहुत ज़्यादा ग्रीटी रहती, तो वही जो है क्या पूरा प्लान हैच करती कि कैसा जो है क्या ड्रग्स चुराना है, कैसा रूथ के लड़के को मारना है, हर पूरा जो प्लान रहता इसके पीछे रहता, जिसकी वजह से लोरा जो है क्या किडनैप हो जाती। अब जो ट्रक ऑलरेडी जो है क्या ड्रग लॉर्ड के हाथ में आ गया, वो कैसे तो भी वो चुराने को करती लेकिन उसको मिलता नहीं। अब काउंसल जो है क्या ऑलरेडी एक मैक्सिकन जेफ को जाके मिलता, जो आदमी ड्रग लॉर्ड से कनेक्टेड रहता, उसको बोलता कि मुझे कैसा ना कैसा बचा, और जो मेरी गर्लफ्रेंड है लोरा उसको भी तुम है क्या बचाओ कैसा तो भी। वो तो कॉल करता उसको, लेकिन वो क्या बोलता, अब जो तुम्हारा है क्या सब टाइम ख़त्म हो गया, तुमने जो भी गलती तुम्हारे से हुई एक्सेप्ट कर लो तुम, और मौत को जो है क्या दावत दो बस। ऐसा बोलने के बाद में नेक्स्ट सीन में क्या बताया कि वेस्टर्न जो है क्या डायरेक्ट लंदन पहुँचता, वहाँ पे जो है क्या यूएस की एक लड़की दिखती है, उसको बहुत ज़्यादा सेक्सी और हॉट बताया, उसके तरफ देखते वो है क्या वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता। अब नेक्स्ट सीन में बताया कि जो है काउंसलर जो है क्या उसकी फ़ोटो देख के उसकी गर्लफ्रेंड की मिस फियांसे की टेंशन में रहता इधर। अब ये जो है मलाइका जो है क्या उसको बोलती कि भाई तुमने उसका जो पासवर्ड बैंक पासवर्ड और आईडी लेके आए ना तुमने उसकी, तो आईडी और पासवर्ड लेने के बाद में उसको बोलती कि तुम्हारा कैश, लेकिन जो सामने लड़की रहती वो बोलती कि भाई तुम जो है क्या उसको मारने वाले हो और बाद में तुम उसका पूरा पैसा चुराने वाले। ऐसा बोलने के बाद में नेक्स्ट सीन बताया कि वेस्टर्न को जाते बताए रोड पे, और उसको अचानक जो है क्या उसकी फांसी का जो है क्या जो डिवाइस उसके फांसी का छत सिर पे लगा देते उसके, और बस जो उसकी गर्दन और उंगलियां जो है क्या सब चढ़ जाते एक संगात में, क्योंकि अटकाने की कोशिश करता। तो नेक्स्ट सीन में क्या बताया कि काउंसलर को एक सीढ़ी आती जिसमें रहता हॉलो करके नाम रहता, तो उसमें जो है कि लोरा का पूरा वीडियो रहता है कैसा उसको जान से मारे करके, और उसकी जो डेड बॉडी है डंप कर देते बिना सर के। अब नेक्स्ट में जो है कि मलाइका को बताए कि कहाँ पे वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में है क्या उसका पैसा कैसा खर्चा करने की अब तैयारी करती। यहाँ तक ही था ये वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको अगर चाहे वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।